होममेड ब्राउन ब्रेड रेडी है, ब्रिटानिया के ब्राउन ब्रेड से लाख गुना अच्छा है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे 17th ऑफ अक्टूबर सैटरडे, बज रहे सुबह के 6:30। अभी जो आप लोगों ने टाइम लैप्स देखा ना, यहाँ पर पीछे वाली जगह पे और बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम लैप्स है। एक्चुअली ऐसे ही टहलने के लिए आया था और देखने के लिए आया था कि कौन सा स्पॉट अच्छा रहेगा यहाँ पर से टाइम लैप्स लेने के लिए या शूट करने के लिए, कभी फुर्सत में आके करूँगा। अब चलता हूँ सीधा टेरिस पे। गाइस अभी बज रहे 7, अभी जस्ट टेरिस पे आया हूँ। देखो यार बहुत ही अच्छी धूप है। एक्चुअली इतने दिन से काफ़ी बिजी चल रहा था जब से ऑफिस चालू हुआ, इसके लिए कुछ भी व्लॉग नहीं किया था। बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, कुछ प्रिपेरेशन या किसी एक चीज़ के लिए, तो वो मैं आपको आने वाले किसी ब्लॉग में बताऊंगा। इतने दिन से बहुत ही फॉगी और डल वेदर था, लेकिन अब आसमान खुला खुला है, धूप भी आ रही है। कल दैट इज फ्राइडे को मैंने कुछ स्टोरीज डाली थी इंस्टाग्राम पे। अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो यहाँ पर हैंडल दिखेगा, जाके देख लो और मेरे को फॉलो करो। ऑल्सो गाइज, हमेशा मैंने सनबाथ लेने की बात की, इसके पीछे COVID-19 का रिलेटेड क्लॉज भी है। अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि विटामिन D3 कितना इंपॉर्टेंट है आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मैं वो आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जाके पढ़ लेना और सनबाथ लिया करो यार, फ्री है। एंड गाइज, अपना वॉचमैन वापस आ चुका है, दैट इज खेमराज। इतने दिन से आपको दिखा भी नहीं देगा व्लॉग में। एक्चुअली ही वॉज इन द क्वारंटाइन सेंटर। जब से मैं सूरत से रिटर्न आया था तब इसको थोड़े सिम्टम्स थे लाइट, फिर उसको क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया था बिकॉज ही वॉज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। एंड कभी आया खेमराज वापस? कल ही वापस आया है। कैसा रहा क्वारंटाइन सेंटर? अच्छा था, अच्छा एकदम बढ़िया था। खाना मिला सब मिला, अच्छा है। लेकिन वापस टेस्ट किया क्या कोविड? नहीं, कुछ नहीं किया, वही तो गद्दारी किया सबसे। तो इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि खाना वाना सब प्रॉपर अच्छा खासा मिला, बस वही कि एक जगह इतना टाइम रहना पड़ा 14 दिन के लिए। लेकिन एक है कि उसको रिलीज करने के टाइम वापस से कोविड का टेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट रिलीज कर दिया उन लोग ने। आई डोंट नो द रीज़न, उसके पीछे क्या रीज़न है। एंड यहाँ पर टेस्ट किया था वो पॉजिटिव था, वहाँ से निकालने के बाद तो अभी तक टेस्ट नहीं किया है, बोल दिया कि आप ठीक हो गए हो जाओ। इसलिए गाइज मैं भी मास्क पहन के टेरिस पे आया। अक्सर आपने देखा होगा कभी मैंने मास्क नहीं पहना टेरिस पे, वो रहता था खेमराज तो भी, बट ही टेस्टेड पॉजिटिव, उसने ही मास्क पहना है, मैंने ही मास्क पहना है। दोनों की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, आत्मनिर्भर बनो। आज तो अच्छी खासी धूप आई हुई थी, बैठे बैठे प्राणायाम भी यही कर लिया, कब 8 बज के पता ही नहीं चला। तो भी घर जाता हूँ क्योंकि आज मेरे को कॉलेज जाने का अपना एक ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए सेकेंड ईयर के लिए मास्टर्स का। भाई घर पे आके थोड़ा एक्सरसाइज किया, अभी नाश्ता किया, नहा आ के अभी बज रहे हैं 10:45, जा रहा हूँ अपने फिजियो सेशन के लिए। एक्चुअली जब से मैं सूरत से आया ना तो मेरा पेन थोड़ा बढ़ गया था, तो मैंने फिर से फिजियोथेरेपी चालू किया। यहाँ पर ही मेरे घर के सामने ही है द वेलनेस फिजियोथेरेपी सेंटर। जब सुबह टेरिस पे गया था तब बिल्कुल भी बादल नहीं थे, मुझे टाइम लैप्स लेना था और अभी देखो बादल ही बादल है। ये जो बालासाहेब ठाकरे ग्राउंड है ना, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर एक क्लिनिक। गाइस बज रहे हैं अभी 1, मेरे को मेरे कॉलेज जाना है मेरे सेकेंड ईयर का फॉर्म भरने के लिए। पता नहीं इन लोगों ने ऑनलाइन क्यों नहीं रखा, अभी ऐसी सिचुएशन में तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग रखना चाहिए, बट ठीक है कॉलेज वाले क्या कर सकते हैं। इतने वेले हैं कि घर पे ब्रेड बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जो उस दिन मैं ड्राई ईस्ट लाया था ना, अगर पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो दिस इज़ द मास्टर शेफ। मैंने सब इंग्रेडिएंट डाला है लेकिन मेरे को आटा गूंदना नहीं आता है। सो गाइस द डो इज़ रेडी बाय द शेफ रोहित यादव, लेकिन अभी इसको 2-3 घंटे के लिए रखना पड़ता है। हम लोग 1 घंटे के लिए रखेंगे, फिर देखते हैं कैसा बनता है बेक करके। गाइज अभी बज रहे हैं 6:30, अभी मैं और रोहित अभी जस्ट टेरिस पे आए क्योंकि बहुत ही अच्छा वेदर है यार, बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आए, फिर घर पे जाके ज़रा वो डो रेडी हो जाएगा तो 7 बजे तक उसको बेक करने के लिए डालेंगे, देखते कैसा बनता है। बहुत ही अच्छी और ईजी रेसिपी है और बाहर से तो बहुत ही अच्छा है। सो गाइज 1.5 घंटा हो गया, आटा कुछ ऐसा फूल गया है मस्त, और ज़्यादा टाइम रखोगे तो और अच्छे से फूलेगा। अब हम लोग ग्रीसिंग कर रहे हैं और आप इसमें सेकेंगे, ओवन में नहीं सेकेंगे, मेरे को ओवन में जमता नहीं है।
अब उसको गैस पे रख दिया 20-25 मिनट्स। सो गाइस देखते हैं कैसा बना है। अभी आधा घंटा हो गया इसको रख के एंड इट इज लुकिंग एज परफेक्ट। बस ये आपको एक नाइफ डाल के देखना है कि नाइफ पे कुछ भी चिपक रहा नहीं है, मतलब आपका ब्रेड परफेक्ट बना है। एंड द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर। ये हमारा ब्रेड होममेड ब्राउन ब्रेड रेडी है। काफ़ी अच्छा स्पॉन्जी बना है, पर सबसे मेन बेनिफिट है इसका, इसमें कोई भी शुगर नहीं है प्लस कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। इसके ऊपर आप थोड़ा तिल डाल सकते हो तो थोड़ा और अच्छा भी लगेगा और टेस्ट भी आएगा, लेकिन हमारे पास अभी तिल अवेलेबल नहीं था इसके लिए नहीं डाला। मैंने तो टेस्ट किया, मेरे को एक नंबर लगा। ब्रिटानिया के ब्राउन ब्रेड से लाख गुना अच्छा है। अभी रोहित टेस्ट करके बताया कैसा बना है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। गाइस एक नंबर ब्रेड बना है, कैसे भी खा सकते हो। हम लोग तो अभी इतना टेस्टी लग रहा है कि बटर लगा लगा के खा रहे हैं। हम तो सब ऐसे ही खा गए, अभी आखिरी दो टुकड़े हैं और इसमें हमने थोड़ा चिली फ्लेक्स और वो डाला है। गाइस कसम से अगर इसके आटे में थोड़ा गार्लिक थोड़ा चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल दोगे ना, जो डोमिनोज का मैदे वाला गार्लिक ब्रेड आता ना उसको बीट कर सकता है, उसको फेल कर सकता है इंस्टेंट। और उसमें क्या क्या प्रिजर्वेटिव कलर वलर डालते हैं, लेकिन ये तो होम मेड है, आपके हाथ का बनाया हुआ एकदम फ्रेश ताजा विदाउट प्रिजर्वेटिव नेचुरल। गाइस टुडे इज 17th October 2020 एंड टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। इसके लिए मैंने ग्रे कलर पहना है। फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि ग्रे कलर होता है, 9 दिन के अलग अलग कलर होते हैं। यहाँ पर मैं अपने सोसाइटी के ऑफिस में हूँ, यहाँ पर इस बार रखा है, नहीं तो मेरे बिल्डिंग के नीचे रहता है जहाँ पर तस्वीर रखते हैं, पूजा होती है, गरबा लाते हैं, अन सारे गरबा खेलते हैं। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर कोरोना नहीं होता तो इस वक्त मैं सामने वाले ग्राउंड में दैट इज बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड में गरबा खेल रहा होता, बट इस कोरोना ने तो यार वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गाइस यहाँ पर गरबा खेलते थे बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड, जिसको अभी क्वारंटाइन सेंटर बना के रखा है, तो बहुत डैम मिस हो रहा है यार, क्योंकि अगर अभी कोरोना नहीं होता तो शायद अभी खेल रहा होता वहाँ पर मैं, आप भी। अभी जस्ट थोड़ी टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज पोस्ट की, बिकॉज मेरे को नवरात्रि बहुत ज़्यादा मिस हो रही है, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है ना, दिस इज़ नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, इट इज़ अ इमोशन फॉर अस, मतलब जो खेलने के लिए हम लोग पूरा साल वेट करते हैं। खैर क्या करें, यही तो लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसको पता था कि कोरोना आ जाएगा और इतना लंबा चल जाएगा और हमारी नवरात्रि छीन लेगा। बट अब ठीक है, इट्स ऑल ओके। मैं जब इस एरिया में शिफ्ट हुआ तब मैंने यहाँ पर खेलना शुरू किया था, क्योंकि मेरा जो जहाँ पहले मैं रहता था श्रीनाथ अपार्टमेंट, वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में चली गई है। बट वहाँ पर जो मेरी लाइफ बीती है, जो नवरात्रि हम लोग ने फेस्टिवल खुद पूरा अरेंज करते थे और फिर सेलिब्रेट करते थे हर एक चीज़, उसमें जो फन था ना वो यहाँ पर तो नहीं मिल पाया, क्योंकि ये सार्वजनिक वाला होता है और वो हमारे बिल्डिंग का खुद का होता था। मेरी कुछ ओल्ड मेमोरीज देख लो, यहाँ के नवरात्रि की, वहाँ के नवरात्रि की, और कोई नहीं, अगले साल खेलेंगे। सो गाइस हैप्पी नवरात्रि टू ऑल एंड आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे फिट स्टे सेफ।